करते हैं हरियाणा में होने वाली आज वोटिंग की। जी हाँ, हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव है और सभी 90 हलकों में यानी 90 सीटों पर मतदान जारी है। 1031 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वोटिंग के लिए 20,632 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 8 अक्टूबर को परिणाम सामने आएंगे। वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक का जो सामने आया है वो आपको बता देते हैं, 9.53% वोटिंग जो है वो अब तक हरियाणा में हुई है। लेकिन अब 11 बजे का वोटिंग परसेंटेज आ चुका है, 18.1% मतदान जो है वो अब तक हुआ है। फरीदाबाद में 11 बजे तक 13.6% वोटिंग हुई है। कुरुक्षेत्र में 22% मतदान। फरीदाबाद में लीड लेने की कोशिश शुरू हो गई है। महेंद्रगढ़ में 17.1% मतदान, मेवात में 19.6% मतदान हुआ है। फरीदाबाद जो सुबह 9 बजे तक करीब 8% पर था वो 13% से ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है, यानी लोग निकलना शुरू हो गए हैं। मौसम थोड़ा सा बेहतर है आज फरीदाबाद में, धूप चिलचिलाती हुई नहीं है और यूं कहें पूरे हरियाणा में वैसी स्थिति है, लिहाजा हालात अब बेहतर होते दिख रहे हैं। देर शाम तक ये वोटिंग होने की उम्मीद है। मेरे साथ मेरे संवाददाता एक एक करके जुड़ रहे हैं। पहले मनोहर केसरी का मैं रुख कर लेता हूँ, कालका से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोहर, 11 बजे तक का मतदान का आंकड़ा आना शुरू हो गया है, अभी कालका जहां आप मौजूद हैं वहां पर लोगों का उत्साह कैसा है? अगर आप किसी मतदान केंद्र पर हैं तो यह जरूर जानें कि बटन दबाने से पहले दिमाग में कौन सा मुद्दा मतदाताओं के हावी है। देखिए, बिल्कुल मैं अभी मौजूद हूँ कालका विधानसभा सीट के चरनिया पोलिंग स्टेशन पे, और चरनिया पोलिंग स्टेशन पे 1061 वोटर्स हैं। लेकिन सुबह से यहाँ लंबी लाइन देखने को मिली है। अब तक यहाँ पर 2361 मतदाताओं ने वोट कास्ट किया, यानी करीब करीब 35% के आसपास मतदाताओं ने वोट डाला है। और मैं सीधे यहाँ कुछ मतदाता हैं, क्योंकि लाइन अब धीरे धीरे छोटी हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और अंदर देखिए अंदर जो है सो लोग हैं और कुछ लोग अभी वोट डाल करके निकले हैं। इनसे बात करेंगे। रुक जाइए माता जी, रुकिए, आपने वोट डाल दिया? वोट डाल दिखाइए, आप फिंगर दिखाइए, उंगली दिखाइए। हाँ, ये वोट डाल, आपने वोट डाला, क्या सोच करके डाला है, क्या भविष्य हो? लेकिन नहीं बोलते हैं, और लोगों से हम बात करते हैं। आप लोग बताएंगे कि आप लोगों ने वोट डाला है? डाल दिया। क्या सोच करके वोट डाला है? फोन में बात कर रहे हैं। लेकिन राजीव, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो खुल करके बात कर रहे हैं कि आखिरकार जो कालका विधानसभा में पहले यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ मौजूदा विधायक है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इस तरह के कुछ देर पहले आरोप लगा रहे थे, यहाँ सड़क की बात है या बरसात में जो पुलिया टूट गई थी उसकी बात है। लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, जो योजनाएं हैं, जो बुजुर्गों के लिए पेंशन योजनाएं जो शुरू की गई है, इस आसपास के इलाके में पहले हॉस्पिटल नहीं था, 2 हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, वो जल्द शुरू हो जाएंगे। तो ये सब सारे मुद्दे हैं जो लोग जो है ध्यान में रख करके वोट कास्ट कर रहे हैं। देखिए, 2 लोग और वोट डालने के लिए आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। माता जी रुक जाइए, वोट डालने के लिए आए हुए हैं, क्या सोच करके आए हैं, क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद है? महिमा कटारिया हमारी सहयोगी गुरुग्राम से तमाम अपडेट्स के साथ, तमाम तस्वीरों से के साथ जुड़ रही हैं। महिमा, गुरुग्राम आज छुट्टी का दिन है, तमाम एमएनसीज में काम करने वाले, मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग जो है वो आमतौर पर शाम के वक्त मतदान के लिए निकलते हैं, इसलिए वोटिंग परसेंटेज वो नज़र भी आ रहा है, 7% अभी तक जो है वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े आए उसमें नज़र आ रहे थे। इस वक्त क्या स्थिति है और पोलिंग बूथ्स पर मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं? चंदन, देखिए सुबह से ही हम संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है। इस समय हम गुरुग्राम में मौजूद है। अब गुरुग्राम, क्योंकि आपने खुद ही बोला कि किस तरीके से गुरुग्राम जो है प्रॉक्सिमिटी हो जाती है, एक इम्पोर्टेंस होल्ड करता है जब बात आती है हरियाणा के इलेक्शन की, क्योंकि जीडीपी हो या कॉन्ट्रीब्यूशन हो, 65% के करीब लगभग यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आगे लोगों का। लेकिन सबसे पहले मूड जान लेते हैं लोगों का कि आखिर क्या कुछ रियालिटी है, क्या कुछ ग्राउंड रियालिटी है, किन मुद्दों पर लोगों ने आज वोट किया था। मैम, मैं सबसे पहले
आपका नाम जानना चाहूंगी। मैं पूनम भाटिया बोल रही हूँ गुड़गावा से। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहूंगी किन मुद्दों पे इस बार आपने आके वोट किया? इतनी धूप हो रही है फिर भी आप आई हैं वोट करने? बिल्कुल आए हैं और आते रहेंगे, मत हमारा अधिकार है, जो इसको हम प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे अच्छी सरकार हमको मिल पाए। मुद्दों पे आपने? मुद्दा तो ये देखो, पहले सबसे बेरोजगारी हटे, उसके बाद ये सड़कें बिल्कुल भी निर्माण नहीं हो रहा, कहीं भी जहां आप देखें वहीं गड्ढे हैं और उसको जरा सुधार चाहते हैं। और आप सब वोट देने आए हैं उनका भी धन्यवाद। और ठीक सर, मैं आपसे भी पूछूंगी क्या मुद्दे हैं। मैम ने कहा कि रोड होनी चाहिए, गड्ढे बहुत ज्यादा है, सुधार होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट की गड्ढे तो बहुत ज्यादा, चला नहीं जाता। चला ही नहीं? हाँ, हम लोग एज के हिसाब से चला नहीं जाता, गिर जाते हैं बार बार, गड्ढे ज्यादा है। अच्छी रोड, अच्छी रोड बननी चाहिए, अच्छी सरकार आनी चाहिए। और हमारा संघर्ष यही है कि अच्छी सरकार को हमने वोट दिया है। मेरे साथ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी यहाँ पे मौजूद है। आप तीनों ही फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। सबसे पहले मेरा तीनों से एक एक करके सवाल यही है कि आज पहली बार वोट किया कैसा लगा? ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है बिकॉज पहली बार किया। आपको कैसा लग रहा है? नया, सीम टू बी अ लिटिल शाय। न्यू एक्सपीरियंस है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। महिमा, अच्छा, महिमा फर्स्ट टाइमर्स को महिमा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। महिमा फर्स्ट, जी राजीव, फर्स्ट टाइमर्स को महिमा। इलेक्शन कमीशन एक मेहंदी लगाता है उंगली में, वो मेहंदी का निशान इन तीनों से दिखवा लीजिए, फर्स्ट टाइम वोट किया है। बिल्कुल, अगर आप देखिए, हमारे राजीव जी का स्पेशली अनुरोध है आप लोगों से कि अगर आप अपनी उंगली का वो जो निशान है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं आप लोग, ये देखिए इनका फर्स्ट टाइम वोटर्स का राजीव हम दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पे कि किस तरीके से बच्चे जो है वो एक्साइटेड तो है, लेकिन उनका चिन्ह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस निशान की बात आप यहाँ पर कर रहे थे। इनसे कुछ बात कर लेते हैं राजीव, अगर हम बात करें मुद्दों की तो आपको क्या लगता है एज ए यूथ क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आपने ये सोच के आज अपना पहला वोट कास्ट किया? सो बेसिकली एक तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने लोग, तो फिर हेल्थ, सैनिटेशन, और यहाँ पे आई फील थोड़ा कम है तो वो बेटर होगा, तो फिर ऑब्वियसली चीजें बेटर हो जाए। हेल्थ और सैनिटेशन, आपको क्या लगता है इनको हेल्थ सैनिटेशन? वी नीड इम्प्रूवमेंट इन आवर एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे आज आपने अपना फर्स्ट वोट डाला है? कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही सही है। एजुकेशन सिस्टम आपको लगता नहीं है कि डेवलप है? हाँ जी। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आपने भी वोट दिया है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी किन मुद्दों पे आपने दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स का कहना है कि हेल्थ हाइजीन बहुत जरूरी होता है। राजीव, अपनों के लिए हेल्थ और हाइजीन बहुत जरूरी होता है, गुरुग्राम की ये बेसिक समस्या देखने को मिली है। सर आपकी क्या, आपको क्या लगता है? हमारे यहाँ रोड्स की बहुत समस्या है, रोड्स खराब है हमारे यहाँ पे। अच्छा, रोड्स बहुत खराब, बहुत खराब है। बाकी हेल्थ का जो कई सिस्टम्स कई जगह सही है, बट लाइनों की तो प्रॉब्लम रहती है, हर जगह कहीं भी जाओ तो लाइन्स का प्रॉब्लम है। तो आप देख, एजुकेशन अच्छी हो, और ये बेसिक पेन है, जो तीनों बच्चे हैं मेरे, इनके एजुकेशन अच्छी हो। सर के तीनों बच्चे हैं, सर ने ये बता दिया, राजीव के तीनों बच्चे हैं सर के, बट नॉनदलेस राजीव हमने ये देखा कि किस तरीके से जब गुरुग्राम की हम बात करते हैं वोटिंग यहाँ पर लगातार हो रही है। हालांकि चंदन ने जिस तरीके से बताया था, सुबह 9 बजे सिर्फ 7% जो वोटिंग है वो हुई थी, यानी 7% जो वोट है वो हुआ था। मूल मुद्दे यहाँ पर सड़क का आ जाता है, पानी का आ जाता है, हेल्थ का आ जाता है। और हालांकि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो कि सुबह से लगातार राजीव हम देखते नजर, हमें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है वो बहुत जोश में के आ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपील की थी कि किस तरीके से फर्स्ट टाइम वोटर्स को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। और यहां पर हमने देखा गुरुग्राम की जब हम बात करते हैं राजीव और चंदन कि किस तरीके से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो एक्साइटेड जरूर वो है, आते रहेंगे महिमा, वो आते रहेंगे। और मुझे लगता है मुद्दे भी पता चलेंगे और ये भी पता चलेगा कि स्पीड गति क्या है। मैं जावेद का रुख कर लेता हूं इस वक्त, मेरे साथ जावेद पानीपत से जुड़े हैं। जावेद, इतिहास बताता है पानीपत की तीसरी लड़ाई सबसे ज्यादा फेमस थी, लेकिन पानीपत में हर बार लड़ाई होती है जब जब विधानसभा चुनाव आते हैं। इस बार की पानीपत की लड़ाई में मुद्दों के हथियार कौन कौन से हैं जिस पर दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं? राजीव, देखिए आपने पानीपत का जिक्र किया और पानीपत की तीसरी लड़ाई का जिक्र किया है राजीव, तो यहाँ पर भी बीजेपी, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट जो कि बीजेपी से नाराज है, उनकी एक नेता वो इस बार इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं। और इस वक्त का जो माहौल है बहुत सरगर्मी है, यहाँ पर सुबह से ही काफी भीड़ है और लोग वोट डाल के आ रहे हैं। आपने वोट डाल दिया, किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है? मैं तो शहर के मुद्दे में, शिक्षा बची है, स्वास्थ्य बची है,
महिलाओं से भी हमने यहाँ पे बात किया, उन्होंने सफाई को बहुत मुद्दा बनाया है, क्या बात है आखिर ऐसा? सफाई भी जरूरी है शहर के अंदर, पानीपत में बहुत ज्यादा गंदगी है, सफाई पे विशेष ध्यान देना। राजीव कुछ और भी लोग हैं लेकिन यहाँ पर राजीव मैं सुबह में जब महिलाओं से बात कर रहा था तो उन्होंने सबसे ज्यादा सफाई का मुद्दा उठाया, आपने वोट डाल दिया? नहीं अभी डालने जा रहा हूँ मैं। तो आप लोग किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं यहाँ पर, क्या मुद्दा है इस बार पानीपत में? पानीपत के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, नगर निगम के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, दलाल के बिना कोई काम नहीं होता है। मतलब ये मेन मुद्दा है इस बार आप लोगों का? मेन मुद्दा भ्रष्टाचार में है, निगम में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार। मैम आप लोगों ने वोट डाल दिया, वोट दे दिया, वोट किस मुद्दों पर इस बार वोट दिया आप लोगों ने, क्या मुद्दा रहा आप लोगों का? बीजेपी का मुद्दा है? नहीं मुद्दा पूछ रहे हैं किस, इसको लेकर आपने वोट दिया मतलब? अच्छा आप जी किन कारणों? हाँ ये काम अच्छा बीजेपी कर रही है। अच्छा देखिए यहाँ पर इस वक्त हम SD कॉलेज में है राजीव, और यहाँ पर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आपने तीन पानीपत की तीन लड़ाई की बात की, तीसरी लड़ाई की, तो मैं आपको एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा राजीव। देखिए ये पानीपत के बाहर पानीपत की सिटी है और यहाँ पर विधानसभा है, और आज पूरे जोश के साथ जो लोग हैं यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि देखिए आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता नहीं है लेकिन हरियाणा में ऐसा, पानीपत में ऐसा पहली बार मिला है कि जो रोहिंता रेवड़ी है जो कि बीजेपी से नाराज होकर इंडिपेंडेंट लड़ रही है।